आप पौड़ी से ही बिलोंग करते हैं, आपका निरंतर लगभग आप शुरू से ही पौड़ी से ही पत्रकारिता में आप सक्रिय हैं, तो थोड़ा पौड़ी के बारे में मैं बताइए। मैं तो फर्स्ट टाइम आज पौड़ी में आया हूँ कि क्या कुछ पौड़ी की विशेषताएं हैं, कैसे कैसे वीर सपूत और यहाँ से पौड़ी से निकले हैं, कुछ पौड़ी के बारे में जी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पौड़ी का जो इतिहास है, पौड़ी गढ़वाल जो है ये ब्रिटिश गढ़वाल अंग्रेजों के जमाने में गढ़वाल यही था। ये छोटे छोटे जो अब जनपद बन गए हैं रुद्रप्रयाग चमोली, ये सारा पूरा पौड़ी गढ़वाल था। और यहाँ के जो पहले से ही यहाँ पर पढ़ाई लिखाई जो है इस जनपद में, यहाँ के लोग ज्यादा क्योंकि यहाँ पे जो कॉलेजेस थे और बाद में गढ़वाल विश्वविद्यालय भी आपको पता है कि श्रीनगर में बन गया था, तो ये शिक्षा का केंद्र रहा है ये पूरा जनपद। तो यहाँ से जो लोग निकले या यहाँ से जिन लोगों ने यहाँ से पौड़ी से बाहर निकले और बाहर भी चले गए, उन लोगों ने देश में नाम किया है बहुत ज्यादा। और आज की ही डेट पे आप जानते हैं कि हमारे जो सेना के अध्यक्ष हैं रावत जी, वो पौड़ी से हैं। तमाम लोग जो डोभाल जी हैं जी, एनएसए डोभाल जी हैं, वो पौड़ी से हैं। एक दर्जन से ज्यादा लोग यूपी के जो सीएम हैं आदित्यनाथ जी, योगी जी, वो पौड़ी से हैं। लेकिन ये भी दुर्भाग्य है कि हमारे मुख्यमंत्री भी पौड़ी से हैं और वो कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप समझना चाहते हैं तो आप बहुत ज्यादा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप केवल हिमाचल प्रदेश को देख के आइए। हिमाचल प्रदेश बिल्कुल ऐसा ही, और मुझे लगता है कि उत्तराखंड उससे ज्यादा खूबसूरत है जी जी। और टूरिज्म के लिहाज से या इवन हॉर्टिकल्चर के लिहाज से हमारे पास यहाँ पे ज्यादा बेहतर स्थितियां हैं। ज्यादा पानी जो है हमारे पास ज्यादा होगा, हमारे खेत ज्यादा समतल हैं और टोपोग्राफी भी हमारी बेटर है। वहां का जो फॉरेस्ट एरिया है वो भी उस तरह से नहीं है जिस तरह से फॉरेस्ट एरिया हमारे पास इतना ज्यादा है। तो हम लोग संपन्न होने के बावजूद जो है अपने संसाधनों को कैश नहीं कर पा रहे हैं। होना ये था कि उत्तराखंड की जो इकोनॉमी थी वो फोकस होनी थी टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री मतलब पर्यटन, और ये बाग बगीचा बागवानी जी, और पशुपालन जी। ये तीन चीजें एक पहाड़ी स्टेट के लिए ये संसाधन सफिशियंट थे यहाँ पे रोजगार पैदा करने के लिए। लेकिन हुआ क्या कि उस पे कोई भी काम ईमानदारी से हुआ नहीं। अलबत्ता तमाम किस्म की योजनाएं आती हैं, फाइलें चलती हैं, लेकिन धरातल पे अगर कोई खेतीबाड़ी करना चाह रहा है, कोई बाग बगीचे लगाना चाह रहा है, उसके लिए एक तो उस तरह से व्यवस्थाएं नहीं है, और अगर वो खेतीबाड़ी कर रहा है या बगीचे लगा रहा है तो उसके लिए मार्केट उपलब्ध कराना, वो अपना जो सामान है, वो जो उसके फ्रूट्स पैदा हो रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा इस इलाके में माल्टा काफी पैदा होता है पौड़ी के इलाके में। अच्छा। और वो सारा बर्बाद होता है। अच्छा। क्योंकि कोल्ड स्टोरेज हमारे पास नहीं है। तो होता क्या है कि वो फल वैसे ही बर्बाद हो जाते हैं या किसान जो है औने पौने दाम पर उसको बेच देता है। कुछ हद तक कुछ लोग उसका जूस बना के अचार बना के इन चीजों का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन कोई बड़ा सिस्टम इस तरह से सरकार की तरफ से नहीं है कि अगर आप उत्पादन कर रहे हैं तो उसको तत्काल सरकार खरीद ले, अच्छी कीमत किसान को मिले। तो जब ये चीजें आप नहीं करेंगे तो किसान हतोत्साहित होकर धीरे धीरे उस चीज को छोड़ देता है। और दिक्कत एक और भी ज्यादा दूसरी है, जंगली जानवरों का आतंक, जो बंदर है, जंगली सुअर है, ये इतना ज्यादा खेती को नुकसान पहुंचाते हैं कि आदमी को खेती छोड़नी पड़ती है जी। अच्छा नेगी जी, एक सवाल और है कि अभी उत्तराखंड पे कई हजार करोड़ का कर्जा हो चुका है, जैसे कि आपको पता है कई एक व्यक्ति पे कई कई लाखों का यहाँ पे कर्जा है। तो मेरे को एक बात बताइए, आज हमें एसेट्स बनाने के बजाय हम एक लायबिलिटीज बन के हम यहाँ पे उत्तराखंड में रह गए हैं, कई हजार करोड़ का हमारे पास खर्चा है। तो ऐसी क्या, यहाँ सरकार कहती है हमारे पास हम इंफ्रास्ट्रक्चर उत्पाद नहीं कर पा रहे हैं अपने यहाँ पे, तो क्या ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हम ऐसा तैयार करें यहाँ पे? और यहाँ पे दुखी भी है कांग्रेस से, बीजेपी से, क्योंकि वादे तो बड़े बड़े करती है लेकिन कांग्रेस कहती है बेटर काम मैं करूंगी और बीजेपी कहती है कि बेटर काम मैं हम करेंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में से कोई भी तैयार नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में जनता, उत्तराखंड की जनता करे तो करे क्या? देखिए, मुझे जो उम्मीद की किरण नजर आती है वो सरकार की तरफ नहीं आती जी, बल्कि जो लोग यहाँ से पलायन करके बाहर चले गए और वो मजबूरी में गए क्योंकि रोजगार वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पाया तो वो चले गए। काफी लोग इस तरह के जो समाज में एक अपनी अच्छी पहचान बना चुके हैं, जिन्होंने उद्योग धंधे सेटअप कर लिए हैं या जिनके पास संसाधन है, पैसा है,
वो वापस यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो नेचुरली वो सारा जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कहीं ना कहीं रोजगार भी पैदा होगा, लेकिन इन्वेस्ट के लिए लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इन्वेस्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म भी चाहिए होता है जो सरकार की तरफ से तैयार करना पड़ता है, क्या सरकार उसमें मदद कर रही है आपको लगता है? देखिए सरकारी जो योजनाएं होती हैं, सरकारी जो सिस्टम होता है, वो जो इन्वेस्टर होता है वो उसको पता है कि इस तरह की स्थितियां कभी नहीं होती हैं कि वो आसानी से काम कर सके। अगर कोई योजना है भी तो उसकी फाइल को आगे बढ़ाना, उसको सालों साल उसको सैंक्शन कराने में लग जाते हैं। तो मतलब जो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहा है वो, जो ज्यादातर मैंने जिन लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने इन्वेस्ट किया, उन्होंने अगर रिजॉर्ट बना रखे हैं या कोई खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, तो सब लोग जो है अपने दम पर, सरकार के भरोसे नहीं अपने दम पर। मैं आपको ये तक बताऊंगा कि जो ये लैंसडाउन वाली जिस सड़क पे हम ताड़केसर वाली सड़क पे चल रहे हैं यहाँ पे पानी का नितांत अभाव है। अच्छा, यहाँ पे रिजॉर्ट आप देख रहे होंगे कि इतने सारे रिजॉर्ट बन चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से यहाँ पर जो पानी की बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है आज तक भी। उसके बावजूद ये लोग यहाँ पर अपने दम पर टैंकर लोगों ने लगाए हुए हैं और टैंकरों से पानी सप्लाई होता है और ये होटल रेस्टोरेंट कारोबार यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि वीकेंड टूरिज्म के लिए काफी लोग यहाँ पे आ जाते हैं। आपने जैसे देखा कि दिल्ली में किस तरह का स्मॉग कुछ दिन पहले था, तो आते हैं। आज भी आप देख रहे हैं कि मेरे आगे एक महाराष्ट्र के नंबर की ये जो गाड़ी चल रही है हैरियर जी, और उसके आगे भी एक जो सफेद एक्सयूवी जो एसयूवी है, ये सारे लोग बाहर से, आज शनिवार है और ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो यही एक तरीका इस इलाके में रह गया है कि यहाँ जो इन्वेस्टमेंट है, और इवन जो रिजॉर्ट्स यहाँ हैं वो भी सारे पहाड़ के लोगों के नहीं है, बाहर से भी लोग आए हैं, लेकिन जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया है यहाँ पे उनका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो लोग तो कम से कम यहाँ पे किसी हद तक यहाँ पर रोजगार पैदा कर रहे हैं। और जो लोग रोजगार पैदा कर रहे हैं वो ही वाकई में पलायन को भी रोक रहे हैं। सरकारें धरातल पे पलायन को रोकने के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। जी 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 जी, तो हम सरकार से ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में सरकार कुछ बेटर सोचे उत्तराखंड के पहाड़ों के लिए। लेकिन और... सरकार कुछ नहीं सोचेगी। देखिए मैं आपको स्पष्ट बता दूं, इतने समय से मैं पूरा मेरी भी उम्र अब 40 के पार हो चुकी है, मैं देख रहा हूं सारा कि किस तरह के लोग राजनीति में आ रहे हैं, किस तरह के राजनेता हम पैदा कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी हमारी है भाई, हमारा प्रदेश है। अगर हम गलत आदमी को अपने ऊपर चुन के बैठा देंगे तो भाई वो तो गलत ही करेगा ना जी। आप ऐसे लोगों को अपने ऊपर बैठा रहे हैं जिनका बैकग्राउंड आप चेक करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिखाई देगा। वो किसी गलत कारोबार से उन्होंने इतना पैसा कमाया, फिर उस पैसे से उन्होंने जो है ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बांटकर पैसा बांटकर विधायक बन गए, विधायक बनने के बाद मंत्री भी बन गए और कुछ लोग तो मुख्यमंत्री भी बन गए। हमें अगर इस प्रदेश को सही रास्ते पे लाना है तो ये हम लोगों को ही तय करना है कि जब चुनाव होते हैं, अभी पंचायत के चुनाव हुए, आपने देखा कि सारा सेटिंग गेटिंग का खेल रहा जी। और जो भी लोग ब्लॉक प्रमुख बने हैं या जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं बैकअप कहीं ना कहीं धनाढ्य लोगों का है, और वो धनाढ्य लोग कौन है, वो एक उस तरह के सामान्य किस्म के लोग तो है नहीं कि जो नौकरी पेशा हो। उन्होंने कहीं ना कहीं, मैं सबको नहीं कहता लेकिन ज्यादातर लोगों ने गलत तरीके से पैसा कमाया है और इसी समाज से निचोड़ के पैसा कमाया है और अब वो इस समाज को लूटने के लिए तैयार हो गए हैं। तो उत्तराखंड की स्थिति में अगर परिवर्तन लाना है तो हम ही लोगों को इसे बदलना होगा। और बुजुर्ग हमें हमेशा गाइड करते हैं, लेकिन जो युवा होता है 20 साल से लेकर 40-50 साल तक आदमी यंग होता है, काम कर सकता है, हम ही लोगों को परिवर्तन लाना है, क्योंकि हम ही लोग एनर्जी लेवल हमारे अंदर ज्यादा होता है, तो ये परिवर्तन लाना हमारी जिम्मेदारी है। तो अब देखते हैं कि आगे हमारा यूथ जो है वो किस तरह से खासतौर पे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें सुधार लाता है।